नमस्कार। क्या है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और क्या है जो यदि हमारे शरीर में बढ़ जाए तो हमारे शरीर में गुस्सा बढ़ जाता है? हाँ दोस्तों, वह है आग। कभी आप लोगों ने अगर ध्यान से गौर किया हो तो अक्सर काम करते समय लेन देन के वक्त व्यक्ति के पैसे फंस जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर के दक्षिण पूर्व दिशा में कोई इम्बैलेंस हो तो ऐसा हो जाता है। आज बात करते हैं दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा के बारे में। दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्निकोण भी कहलाता है, जिसमें यदि इम्बैलेंस हो जाए या असंतुलन आ जाए तो वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन में आग कम हो जाती है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है यदि वहां टॉयलेट आ जाए या काला या नीला रंग आ जाए। तो आज ही अपने घरों में या दुकान या शोरूम या ऑफिस में चेक कीजिए कि क्या आपके दक्षिण पूर्व दिशा में यह असंतुलन तो नहीं है। यदि है तो उसको तुरंत चेक कराइए ताकि आप अपने जीवन में वो खोई हुई आग वापस पा सकें और आपका जीवन दोबारा उस काम को करने के लिए जिसके लिए आप बेताब थे या जिस तरीके से आप अपने कार्य को जीवन में करना चाहते हैं पूर्णतः उसको कर पाएं और आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को पाएं।